नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। ये मेरा जो वीडियो, ये एजुकेशनल वीडियो है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, अगर आपकी 5.5 लाख से ऊपर इनकम है तो आप इनकम टैक्स जरूर भरते होंगे, इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करते होंगे। तो आप जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो आप किससे करते हैं? फॉर्म 16 से। फॉर्म 16 आपको प्राइवेट कंपनी या फिर गवर्नमेंट ऑफिस द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। जो फॉर्म 16 है ये दो पार्ट में आता है, ये आता है पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में आपका एड्रेस, टैन नंबर, पैन नंबर, एड्रेस, नेम वगैरह डिटेल होती है, और टैक्स डिडक्शन की डिटेल होती है कि कितना क्वार्टरली आपका टैक्स काटा गया है, वो आपको पार्ट ए में देखने को मिलता है। पार्ट बी में आपको अदर इनकम डिडक्टेड जो भी सोर्सेस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, आपकी सैलरी से रिलेटेड या फिर और भी जो अदर डिडक्शन है वो आप पार्ट बी में देखने को मिलते हैं। जो आप आईटीआर रिटर्न भरते हैं ये आप पार्ट बी को लेकर भरते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फॉर्म 16 जनरेट कैसे किया जाता है, फॉर्म 16 को ऑनलाइन कैसे निकालते हैं अकाउंट ऑफिसर वाले या फिर कहीं भी प्राइवेट कंपनी के जो अधिकारी होते हैं या जो भी चार्टेड अकाउंट जो अपॉइंट किया जाता है कंपनी की तरफ से या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, वो इस सारे काम को संभालता है। तो फॉर्म 16 है ये हर एक कोई इंडिविजुअल नहीं निकाल सकता, ये किसी चार्टेड अकाउंट के थ्रू या फिर जो चार्टेड अकाउंट ऑफिसर है उसके थ्रू फॉर्म 16 निकाला जाता है। तो एक ट्रेसेस साइट है टैक्स टीडीएस की, जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है फॉर्म 16, उसी के थ्रू निकाला जाता है। तो जो टेन नंबर होता है, टेन नंबर आपको सीए प्रोवाइड करवाता है किसी कंपनी को या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जो काम कर रहे हैं लोग, उनको प्रोवाइड करवाता है सीए। तो जब तक आपके पास टेन नंबर यूजर नेम या पासवर्ड नहीं है, जब तक आप फॉर्म 16 नहीं निकाल सकते। ये बेसिकली चार्टेड अकाउंट, जो चार्टेड अकाउंटेंट है उसकी देख रेख में ही ये सारे काम होते हैं फॉर्म 16 से रिलेटेड। आप किसी ऑफिस में भी आप देखते होंगे किसी ऑफिस के थ्रू फॉर्म 16 जो अकाउंट ऑफिसर है वो निकालता है, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में कोई अधिकारी है सीए के थ्रू वो निकालता है फॉर्म 16। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन फॉर्म 16 कैसे जनरेट किया जाता है, इसकी पूरी पूरी प्रोसेस। तो मैं आपको किसी इंडिविजुअल एक आदमी का आपको फॉर्म 16 निकाल के दिखाऊंगा वो कैसे इसकी पूरी प्रोसेस की जाती है, और मैं आपको बल्क में भी आपको दिखा दूंगा कि एक साथ जिन 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 लोगों का टैक्स कट रहा है, जिनकी 5.5 लाख से ऊपर है या फिर 5.5 लाख उससे ऊपर है, तो उनका जो टैक्स कट रहा है वो एक साथ बल्क में कैसे आप फॉर्म 16 आप निकाल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है वो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, टैक्स से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, फॉर्म 16 से रिलेटेड, या कुछ भी आपको पूछना है तो आप डायरेक्ट कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। तो ये मेरा एक एजुकेशनल वीडियो है, आप देखते रहिए, और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करिए। तो चलते हैं लैपटॉप की तरफ, मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ कि कैसे फॉर्म 16 को निकाला जाता है। मैं पहले इंडिविजुअली एक का निकाल के दिखाऊंगा, उसके बाद पूरा बल्क में कैसे निकाले जाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए लैपटॉप की तरफ और बताते हैं कैसे फॉर्म 16 को निकालते हैं ट्रेसेस की साइट से। आइए दोस्तों, मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूँ और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप ट्रेसेस की साइट से फॉर्म 16 जनरेट कर सकते हैं। तो ये ट्रेसेस की साइट है, आपको गूगल में सिंपल लिखना है ट्रेसेस लॉगिन। तो जैसे ही आप लिखेंगे तो ये साइट खुल जाएगी। उस साइट पे ये टीडीएस की साइट है, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेल। इसमें आपको फॉर्म 16 से रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड, फॉर्म 16 से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस साइट से मिलती है। तो ये है टीडीएस रिकंसाइलेशन एनालिसिस एंड करेक्शन इनेबलिंग सिस्टम, सारी चीज़ें आपको यहीं से आपको मिलती है। तो इसमें आपको लॉगिन के दो मेथड पूछता है वो, एक तो पूछता है डिडक्टर और दूसरा पूछता है टैक्स पेयर ऑब्लिक पीएओ। तो जो डिडक्टर है यानी जो हम टैक्स काट रहे हैं तो हम उस पर लॉगिन करते हैं, हम टैक्स पेयर नहीं है, हमने कोई टैक्स पे नहीं किया खुद इंडिविजुअली, हम एक्चुअली सब एम्प्लॉय का टैक्स काटते हैं। तो हम क्या हुए? डिडक्टर हुए। तो डिडक्टर पे हमें क्लिक करना है। यूज़र आईडी आपको ये कंपनी वाले के पास होती है, ये यूज़र आईडी ये आपको सीए प्रोवाइड करवाता है या फिर इनकम टैक्स ऑफिस वो प्रोवाइड करवाएगी यूज़र आईडी और पासवर्ड। जब तक आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है आप फॉर्म 16 नहीं निकाल सकते। तो ये आपको चार्टेड अकाउंट के थ्रू या फिर इनकम टैक्स के थ्रू ये आपको प्रोवाइड की जाती है।
तो डिडक्टर पे क्लिक करना, यूज़र आईडी है मेरे पास, पासवर्ड भी मैंने, और 10 फॉर डिडक्टर भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। जब तक ये आप डिटेल सही नहीं भरेंगे, जब तक आपका फॉर्म 16 नहीं जनरेट होगा। ये मैंने लॉगिन कर दिया, तो ये लॉगिन हो गया, ये ऊपर पूरा डैशबोर्ड खुल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है डाउनलोड पे, और यहाँ पे करना है आपको फॉर्म 16। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन पूछता है फाइनेंशियल ईयर, पैन नंबर। तो ये जो ऑप्शन है, ये वाला, ये तो ऑप्शन है सिर्फ एक एक एम्प्लॉय का फॉर्म 16 निकालना चाह रहे हैं। और जहाँ पे ये लिखा है बल्क पेन डाउनलोड, ये ऑप्शन है कि आप पूरा एक साथ फॉर्म 16 निकालना चाह रहे हैं, हर एम्प्लॉय का एक साथ बल्क में निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर मैंने 1920 कर लिया, ये मैं अभी फिलहाल एक का ही आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको डालना है पैन नंबर। तो ये मेरे पास एक एक्सेल शीट है जिसमें क्वार्टरली हमने जिन जिन का टैक्स काटा है वो सब यहाँ से कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ से हमें पता लग जाता है कि हमने सितंबर में ये काटा है, अक्टूबर में इतना काटा है, नवंबर में इतना काटा है, दिसंबर में इतना काटा है। तो हमें, मैं मोहन लाल ठाकुर का ले लेता हूँ, इसका पैन नंबर है ये, तो ये पैन नंबर हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये करता हूँ और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे पैन नंबर ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ से मैं गो करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे गो करूँगा तो ये ऑथराइज पर्सन का नाम आ जाएगा लिखा हुआ, उनका फादर नेम, क्या डेजिग्नेशन है उनका, प्लेस और डेट, ये वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। यहाँ से मैं सबमिट कर दूंगा। अब सबमिट करूंगा तो ये पूछेगा कि केवाईसी फ्लो, कि यानी जो आप फॉर्म 16 निकालेंगे, जो ये ट्रेसेस की साइट पे जो मैंने लॉगिन किया जिस बंदे को, ये एक अकाउंट ऑफिसर है, अकाउंट ऑफिसर की देख रेख में ये फॉर्म 16 वगैरह के काम होते हैं, या फिर चार्टेड अकाउंट के देख रेख में। तो फॉर्म 16 के नीचे साइन होते हैं अकाउंट ऑफिसर के, सील लगती है, तब फॉर्म 16 जनरेट किए जाते हैं। तो अभी मैं फिलहाल आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं करूँगा यहाँ पे विदाउट डिजिटल सिग्नेचर। उसके बाद यहाँ से मैं प्रोसीड कर दूंगा। तो जैसे ही मैं प्रोसीड करूंगा तो यहाँ पे मेरे से ये सिक्योरिटी के पर्पज से कुछ डिटेल्स मांगेगा। अगर मैं ये डिटेल बिल्कुल सही भरूंगा तब मेरे को फॉर्म 16 को जनरेट करने के लिए बोलेगा। ये एक सिक्योरिटी पर्पज से मांगता है डिटेल, कि आप ऑथराइज अकाउंट ऑफिसर ही हो और आप ये डिटेल बिल्कुल आप ही काम कर रहे हो टैक्स रिलेटेड। तो ये कुछ बंदों का टैक्स रिलेटेड कुछ चीज़ें मांगता है, तो वो आपको मेंशन करनी है। अगर आप सही भरते हो तब वो आपको फॉर्म 16 निकालने के लिए बोलेगा। तो मैं भरता हूँ यहाँ पे। ये मैंने भर दिया टोकन नंबर, और ये BSR कोड वगैरह ये डिटेल भी पूछता है, तो ये भी आपको बिल्कुल सही मेंशन करनी है, नहीं तो फॉर्म 16 आप नहीं निकाल पाएंगे। चालान नंबर, सीरियल नंबर, ये सब आपको भरना है। अब उसके बाद ये यहाँ पे पार्ट टू में तीन पैन नंबर पूछेगा, तो किसी भी जिनमें आपके एम्प्लॉय के पैन नंबर टैक्स कट रहा हो उनके तीन पैन नंबर यहाँ पे आपको देने, और उसका अमाउंट टैक्स का। तो यहाँ पे आपको पैन नंबर देने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं पैन नंबर देता हूँ, बिल्कुल सही पैन नंबर दीजिएगा, वरना फॉर्म 16 नहीं निकलेगा। एक और पूछेगा तो एक और मैं पेन नंबर देता हूँ। ये मैंने दे दिया, और यहाँ से मैं प्रोसीड कर देता हूँ। तो मैंने ये बिल्कुल, जो मैंने अभी डिटेल्स भरी थी ये बिल्कुल सही भरी है। उसके बाद मैं यहाँ से प्रोसीड विद ट्रांजेक्शन कर दूंगा। तो अब देखिए ये बिल्कुल सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो ये दोनों फॉर्म 16 में पार्ट और ए और बी दोनों के लिए ये सक्सेसफुली सबमिट हुई है।
ये जो रिक्वेस्ट है ये हम कहाँ देखेंगे ये भी मैं आपको बता लेता हूँ। रिक्वेस्ट नंबर भी दे दिया इसने, ये आपको डाउनलोड में, रिक्वेस्ट डाउनलोड में आपको दिखेगा। यहाँ से मैं व्यू ऑल कर देता हूँ, या तो आप रिक्वेस्ट नंबर डाल के आप देख सकते हैं, या फिर आज की डेट डाल के, या फिर व्यू ऑल करके। तो मैं व्यू ऑल कर देता हूँ, तो ये देखिए ये सबमिट हो चुकी है आज की डेट में 28 मार्च को। रिक्वेस्ट नंबर ये था, ये पार्ट ए और पार्ट बी फॉर्म 16 के लिए। तो जब ये अभी सबमिट आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, जब ये अवेलेबल हो जाएगा तब मैं यहाँ से इसे डाउनलोड करके फॉर्म 16 जनरेट कर सकता हूँ। तो अवेलेबल होने में 5 से 7 घंटे लगते हैं, 5 से 7 घंटे लगेंगे अवेलेबल होने में, क्योंकि मैंने अभी किया है तो टाइम लगेगा। तो पहले ही मैंने कुछ सबमिट करे थे ऐसी रिक्वेस्ट, तो उसके लिए अवेलेबल हो चुका है। तो मैं यही आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये तो है बल्क पार्ट ए और पार्ट बी, एक साथ कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको नीचे वाले निकाल के दिखाता हूँ जो अवेलेबल हो गए हैं। इसकी रिक्वेस्ट मैंने कल परसों करी थी, तो ये अवेलेबल हो गए हैं। तो उसी सेम प्रोसेस आप ऊपर वाला भी करेंगे, अगर ये अवेलेबल हो जाते हैं तब आप इनके भी निकाल पाएंगे। तो मैंने बताया जैसे आपको 5 से 7 घंटे लगते हैं अवेलेबल होने में, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक ये अवेलेबल नहीं होते। तो मैं आपको नीचे वाला निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये वाला निकाल के दिखाता हूँ, पार्ट ए और पार्ट बी। ये मैंने 27 मार्च को किया था ये। तो सबसे पहले मैं पार्ट ए निकालता हूँ, तो इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से HTTP डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड हो गया। उसी की तरह फॉर्म 16 पार्ट बी, ये वाला भी निकालना है, तो मैं इस पे भी टिक कर देता हूँ। तो ये देखिए ये दो निकल गए। अब मैं डाउनलोड पे जाऊँगा, ये दो डाउनलोड हो गए। तो ये अभी जिप फाइल में हुए हैं, इसे आपको कन्वर्टर में डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा, सब कुछ कर मैं बता रहा हूँ आपको कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आप इसे निकाल के अलग रख लीजिए। इसे मैं यहाँ पे एक मैंने फोल्डर बना रखा है फॉर्म 16 का, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये ऊपर वाला पार्ट बी है और नीचे वाला है पार्ट ए। तो इसको आपको कन्वर्टर में डालना पड़ेगा। तो कन्वर्टर कहाँ है मेरे पास, मैं देख लेता हूँ अपने। ये है कन्वर्टर, ये मैंने यहाँ पे बना रखा है फॉर्म 16। ये कन्वर्टर भी आपको साइट से डाउनलोड करने पड़ेंगे, ट्रेसेस या फिर इनकम टैक्स की साइट से आपको ये कन्वर्टर डाउनलोड करने पड़ते हैं। इस कन्वर्टर में आप फाइल डालेंगे तब वो जनरेट होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं पार्ट ए के लिए निकालता हूँ, मुझे पार्ट ए का चाहिए। ये है पार्ट ए का और ये है पार्ट बी का। तो पार्ट ए मैं खोल लेता हूँ। इसके लिए सबसे पहले एक काम बताऊँ, कोई भी कन्वर्टर को चलाने के लिए आपको जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप मेक श्योर कि आपके सिस्टम पे जावा इंस्टॉल हो, तभी ये काम करेगा। अगर आपके सिस्टम पे जावा इंस्टॉल नहीं है तब ये कन्वर्टर काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जावा सपोर्टेबल है, जार फाइल है, जार फाइल जावा को सपोर्ट करते हैं। इसलिए आपके सिस्टम पे जावा इंस्टॉल कर लीजिए सबसे पहले, तब काम करिए। तो जावा मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तब मैं इसे खोलूँगा। ये खुल गया। तो जैसा आप देख रहे हैं ये ट्रेसेस के द्वारा ही बनाया गया ये सॉफ्टवेयर है, कन्वर्टर है। तो आप ये वहाँ से ट्रेसेस से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डालना है वो जिप फाइल, ये पार्ट ए के लिए है, पार्ट बी के लिए दूसरा कन्वर्टर है। तो मैं डेस्कटॉप पे आऊँगा, मुझे वो फाइल चाहिए कहाँ पर है, फॉर्म 16 के अंदर मुझे चाहिए पार्ट ए की। तो पार्ट ए की सबसे ऊपर वाली फाइल ये है। पासवर्ड भी आपको डालना पड़ेगा, पासवर्ड आपका वही है जो 10 10 नंबर था, वही आपका पासवर्ड है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया। और आपको लोकेशन देनी है कहाँ पर आप सेव करना चाहेंगे, तो मैं यहीं पे सेव करना चाहूँगा। ये मैंने पाथ दे दिया। और यहाँ पे अगर डिजिटल सिग्नेचर है अकाउंट ऑफिसर के, तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी विदाउट डिजिटल सिग्नेचर करा है तो मैं इसे चूज़ नहीं करूँगा। तो यहाँ से मैं प्रोसीड कर दूँगा और ओके कर दूँगा। तो अब देखिए नीचे लिखा रहा है PDF क्रिएशन इन प्रोग्रेस, अभी प्रोग्रेस में चल रहा है, थोड़ी देर में आपको उस फोल्डर में PDF जनरेट हो जाएगी। तो लिखा गया था PDF इज जनरेटेड सक्सेसफुली, यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। यहाँ से मैंने इसे पार्ट ए वाले को बंद कर दिया। अब आप PDF में देखिए उस फोल्डर के अंदर, ये देखिए ये पार्ट ए का उसने कन्वर्टर ने निकाल के दिखा दिया। अब मैं ये है पार्ट बी का कन्वर्टर, इसे मैं खोल लेता हूँ। ये मैंने खोल लिया पार्ट बी का। ये तो यहीं से आपको फाइल चूज करनी है,
पार्ट बी का कन्वर्टर आपने खोल लिया। यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे जाना है, ऑल फाइल फॉर्म 16, पार्ट बी था मेरा ये, तो मैंने इसे ओके कर दिया। पासवर्ड आपको वही देना है 10 नंबर जो आपका है। सेव टू फोल्डर यहीं पे करना है मुझे, और यहाँ से मुझे डिजिटल सिग्नेचर नहीं चाहिए तो यहाँ से मैं प्रोसीड कर देता हूँ। अब पार्ट बी के लिए आपका पीडीएफ क्रिएशन हो रहा है, ये हो गया। अब यहाँ से आप इसे बंद कर देंगे। अब आप देखेंगे, अब ये देखिए फॉर्म 16 वाले फोल्डर में मेरे दो फॉर्म क्रिएट हो गए, पार्ट ए और पार्ट बी। अब पार्ट ए को मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, और आपको अमाउंट भी मैच करा देता हूँ कि आपका क्वार्टरली, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्ट ए में आपको बताता है टैक्स से जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है क्वार्टरली, उसकी डिटेल बताता है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये मेरा पार्ट ए है, ये पार्ट ए आ गया। जैसे मैंने आपको बताया कि पार्ट ए में एड्रेस, नेम, एड्रेस, पेन डिटेक्टर, 10 ID, 10 डिटेक्टर आपको सी ए ही प्रोवाइड करवाता है, जो आपका पासवर्ड वगैरह होता है वही आपका 10 डिटेक्टर होता है, ये लिखा होता है। पेन नंबर आ जाएगा एम्प्लॉय का, ये आपका, ये आपकी स्टेटमेंट है क्वार्टरली कि आपने कितना टैक्स कटा। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक्सेल में कि जो हमने बनाया था। अब देखिए इसका नाम है मोहनलाल ठाकुर। अब इसका हमने काटना जो स्टार्ट किया वो गया सितंबर से, तो सितंबर में हमने कितना काटा इसका, 18,800। तो अब ये देखिए क्वार्टरली टू में कितना काटा है हमने, 18,800, ये यहाँ पे शो हो गया। अब क्वार्टर थ्री में अब कितना दिखा रहा है, 61,650। तो अब यहाँ पे आप कह रहे होंगे 61,650 है ही नहीं, ये इसका इस तीनों का टोटल है, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का टोटल जो नीचे दिखा रहा है 61,650, वो इन्होंने पूरा एक साथ दिखा रहा है। आप चाहे तो नीचे भी देख सकते हैं, मैं आपको भी नीचे भी दिखाऊंगा। और क्वार्टर फोर में जो लास्ट काटा है वो काटा है 22,550, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं जनवरी में 22,550। तो सितंबर से जनवरी तक काटा है हमने पूरा टैक्स। ₹1,03,000, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल ₹1,03,000 हमने इस पर्सन के काटे हैं। तो अब नीचे भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी चालान की जो डिटेल होती है ये चालान प्रोवाइड करवाता है अकाउंट ऑफिसर, फिर ये चालान की जो पूरी डिटेल है ये साइट पे अपलोड होती है, तब इसमें हमें देखने को मिलती है। तो आप देख रहे हैं कि 18,800 सितंबर में काटा, अक्टूबर में यहाँ पे शो होगा, तो ये आ गया 18,800। दूसरा हमने काटा था अक्टूबर में 19,550, ये आ गया 19,550। फिर तीसरे में 19,550, ये आ गया। फिर 22,550 दिसंबर में, ये आ गया। और फिर लास्ट काटा जनवरी 22,550, ये भी यहाँ पे शो हो गया। तो ये पूरा सही मैच करा है। ये आप स्टेटमेंट से, फॉर्म 16 से आप अपना मैच कर सकते हैं कि आपका टैक्स बिल्कुल सही कटा है या नहीं कटा। आपने जितना कटवाया वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि आपने क्वार्टरली कितना टैक्स कटवाया है, वो आपकी सब डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं पार्ट ए में कि कैसे क्वार्टरली टैक्स डिडक्ट होता है। और मैंने आपको ये भी बता दी कि कैसे आप पार्ट ए और पार्ट बी निकाल सकते हैं इनकम टैक्स ट्रेसेस की साइट से। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताऊं कि बल्क में कैसे निकालते हैं। अब ये थोड़ी देर बाद सेशन एक्सपायर्ड हो जाता है, तो आपको फिर दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। इसे मैं पूरा बंद कर देता हूँ और यहाँ से मैं दोबारा ट्रेसेस पे लॉगिन करता हूँ। अब मैं आपको बल्क में निकाल के दिखाऊंगा कि बल्क में कैसे निकालते हैं, वही आपको डालना पड़ेगा पासवर्ड। यह है FEYD और X, लॉगिन कर दिया। अब बल्क में भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसे इंडिविजुअल का पेन नंबर मैंने अभी निकाल के बताया था। तो ये मैंने पहले से ही रिक्वेस्ट सबमिट कर रखी है बल्क की और वो अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया था ये बल्क पार्ट बी और पार्ट ए। तो ये भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं पार्ट ए डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर पार्ट बी डाउनलोड कर लेता हूँ।
इसलिए मैंने पार्ट ए और एट बी डाउनलोड कर लिया। अब इसका मुझे यहाँ से काम नहीं, तो मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ और जो मैंने अभी डाउनलोड किया वो मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये है वो पार्ट, ये बल्क में है। अब बल्क में देखिए कैसे आता है, ये कर लिया मैंने फॉर्म 16 यहाँ पे पेस्ट। अब ये जो है ये है पार्ट बी ऊपर वाला और पार्ट है, ये बल्क में है, मेरा एक साथ सबके ये निकालेगा। पीडीएफ कैसे एक साथ सबके निकालते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मुझे पार्ट ए का निकालना है, तो मैं जाऊँगा पार्ट ए वाले कन्वर्टर पे। ये आ गया, तो यहाँ से मुझे जिप फाइल का पाथ देना है। ये मैंने दिया था डेस्कटॉप पे फॉर्म 16 के अंदर। ये तो पार्ट बी का है, ये है पार्ट ए का, और मैंने इसे ओके कर दिया। यहाँ से आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, पासवर्ड आपका वही 10 नंबर ही है। बिल्कुल सही दीजिएगा तभी निकलेगा। और मैं पाथ जो है वो उसका मैं यहीं देना चाहूँगा, इसे मैंने ये कर दिया। और डिजिटल सिग्नेचर कोई है नहीं, तो यहाँ से मैं प्रोसीड कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा रहा है पीडीएफ क्रिएशन इन प्रोग्रेस। अब ये पूरे जितने भी पार्ट ए के जितने भी फॉर्म 16 है सबके बल्क में एक साथ निकाल देगा। थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लेता है क्योंकि पूरे बल्क में निकाल रहा है इस वजह से। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि बल्क में पार्ट ए उसने निकाल दिए हैं, लिखा भी आ रहा है 267 पीडीएफ आर जनरेटेड सक्सेसफुली। अभी हमें कहाँ पे दिखेंगी, यहाँ पे दिखेंगी। ये देखिए ये पार्ट ए उसने पूरा निकाल दिया। दोस्तों ऐसे ही हम पार्ट बी को निकालेंगे, पार्ट बी निकालना है हमें। ये तो हमारा पार्ट ए निकले थे, पार्ट बी की फाइल भी है नीचे, तो सबसे पहले हमें कन्वर्टर पर ही जाना पड़ेगा। ये हमारा है पार्ट बी, इसे हम खोल लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको पार्ट बी चूज करना पड़ेगा। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसे हमने पार्ट ए निकाला था, ये रहा पार्ट बी, और इसे ओके कर दिया। यहाँ आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, पासवर्ड वही आपका 10 नंबर है। और सेव फोल्डर है हमारा विदाउट डिजिटल सिग्नेचर चाहिए हमें, यहाँ से हम प्रोसीड कर देते हैं और यस कर दिया। अब देखें ये पीडीएफ क्रिएशन इन प्रोग्रेस हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और ये पूरे पार्ट बी निकाल देगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पार्ट बी उसने सक्सेसफुली जनरेट कर दिया है, 269 पीडीएफ आर जनरेटेड सक्सेसफुली, यानी पार्ट बी उसने यहाँ पे निकाल दिया। अब आप देख रहे हैं इस वाले फोल्डर में कि पार्ट बी भी उसने निकाल दिया है। तो ये है पार्ट बी, खोल के भी मैं आपको दिखा लेता हूँ, ये पार्ट बी उसने निकाल दिया। तो आप देख सकते हैं कि पार्ट ए और बी कैसे उसने बल्क में एक साथ यहाँ पे निकाल दिए हैं। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो फॉर्म 16 से रिलेटेड, कैसे फॉर्म 16 निकाला जाता है, अगर आपके पास भी यूज़र आईडी और पासवर्ड 10 नंबर है आपके पास और आपको समझ नहीं आ रहा कैसे हम फॉर्म 16 निकालते हैं, तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट में पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।